तो इसकी साइकी समझने के लिए आप ये समझ लें कि आपके बच्चे का मैच्योरिटी लेवल कितना है और उस मैच्योरिटी लेवल को समझते हुए आपने कैसे बच्चों को बिहेवियर को तब्दीली लानी है। उसके लिए जो है वो हमने ग्राफ बनाया था इधर। बिल्कुल, हम चलते हैं उस तरफ और इस ग्राफ को भी देखते हैं। और ये जनाब इधर आएंगे हम। मैं इस तरफ आ रही हूँ, ऑन दिस साइड। ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखें आपका टीनेजर बच्चा जो है ये है उसकी एज। अच्छा, ये खाली टीनेजर बच्चों के लिए ये बात नहीं हो रही, ये हर इंसान की जो है ना, किसी भी एडल्ट एज में भी ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये सारे उनके लिए एप्लीकेबल हैं। ये है एज। एज के साथ जो है ये है जी मैच्योरिटी, और बच्चों को चाहिए कंट्रोल। जैसे जैसे आपकी एज होती है आपको लाइफ में मैच्योर होना, एक अकलमंद समझदार सेंसिबल बंदा जो है उसको मैच्योर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक अलग बात है कि बहुत सारे हमारे बहन भाई एक एज के बाद जाके भी मैच्योर होते नहीं होते, नहीं होते 40 साल के बाद भी उनका बिहेवियर ऐसा होता है बच्चों वाला, चाइल्डिश। और वो आप सोचते हैं कि रियली इज ही 50 ईयर ओल्ड। हाँ, तो फिर ये होता है कि वो बच्चों वाला बिहेवियर कर रहे होते हैं। हाँ, तो एज के साथ वैसे एक सेंसिबल बंदे को जो है उसको, कॉमन सेंस वाले बंदे को एज के साथ ये मैच्योरिटी आनी चाहिए। ठीक हो गया। और बच्चों को चाहिए कंट्रोल। ठीक है। एज के साथ कंट्रोल भी आता है क्योंकि जब आप बड़े होते हैं तो आपको अपनी लाइफ के ऊपर डिसीजंस करने के और कोई भी जिंदगी का जो होता है वो कंट्रोल आता है। ठीक है। अब जी आपने ये देखना है कि अगर ये मैच्योरिटी का लेवल 1 है, ठीक है, ये है लेवल 2। ठीक हो गया। ये है जी लेवल 3। ठीक है। Perfect. तो जैसे जैसे एज होती है, जब बच्चा छोटा होता है 2 साल का या 3 या छोटा बच्चा जो होता है उसमें, जब ये लेवल 1 के जो बच्चे होते हैं वो छोटी एज के बच्चे हैं, उनकी एज बहुत छोटी है और उनके पास कंट्रोल नहीं होता, वो टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। जिस तरह छोटे टॉडलर्स बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनको बस एक खिलौना चाहिए तो उनको वो खिलौना ही चाहिए, चाहिए बिल्कुल। फिर उन्होंने जिद कर लेनी है, फिर उन्होंने नीचे लेट जाना है, उन्होंने टांगे मारनी है, उन्होंने कहना है कि मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि वो सेल्फिश होते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव होते हैं माँ बाप की तरफ, उनको समझ नहीं होती, मैच्योर नहीं है ना। तो इस टाइम पे अगर आपका बच्चा इस तरह की हरकत कर रहा है उसका मैच्योरिटी लेवल बच्चों वाला है। अगर वो स्टेज 2 में है तो ये वाला बच्चा जो होता है 12-13 साल का बच्चा होता है और इसका मैच्योरिटी, क्योंकि अब उसकी एज थोड़ी बढ़ गई है, तो उसका जो है वो उसको थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए होता है लाइफ में, उसके साथ उसका मैच्योरिटी लेवल 2 है। उसमें ये वो वाले बच्चे होते हैं जो कि जिद तो नहीं करते, सेल्फिश भी नहीं इतने होते, लेकिन ये वो वाले बच्चे होते हैं जो कोऑपरेटिव होते हैं लेकिन डांट डपट के बाद होते हैं। मतलब अगर आप उन्हें कहें कि ये जो गार्बेज है ये कूड़ा बाहर फेंक के आ जाओ, तो उनका ये रिएक्शन होता है, ओ माय गॉड मेरी बहन को कह दो, मुझे ही क्यों अम्मी, आप मुझे ही क्यों कह रहे हो, मुझे ही कहना है आपने। कोई उनको जिंदगी का काम कह दे, उन्होंने आगे से कहना है कि वाई मी, किसी और को कह दें। तो वो जो होते हैं आपको कोऑपरेट कर लेते हैं लेकिन उनका ये एटीट्यूड होता है व्हाटएवर, ये वाला एटीट्यूड होता है। तो उनका मसला ये होता है कि उनको आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो तीसरा लेवल होता है ये तो अल्लाह की ब्लेसिंग वाले बच्चे हैं। इसके अंदर ये होता है कि ना सिर्फ ये कोऑपरेटिव होते हैं बल्कि ये इनिशिएट करते हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि अगर इस बच्चे को आप कहेंगे कि कूड़ा बाहर फेंकाओ या कमरा साफ करो, तो वो मैच्योरिटी का मजारा करते हुए चला जाएगा। थर्ड लेवल ऑफ मैच्योरिटी है। और ये बच्चे थोड़ी एज के साथ 12-13 साल वाला बच्चा अगर है तो वो कहेगा कि वो तो मैंने कल रात को ही फेंक दिया था, या वो कहेगा कमरा तो मैंने और साफ कर लिया था पहले, कोई और काम है अम्मी वो आप बताएं। तो उनका जो मैच्योरिटी का लेवल होता है लेवल 3 होता है। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके बच्चे का लेवल क्या है। अगर तो 2-3 साल वाला बच्चा है और वो इस तरह से हटधर्म है और टेंटम्स दिखा रहा है तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन अगर 12-13 साल का बच्चा है और वो हटधर्म है और सेल्फिश है और इस तरह से नखरे दिखा रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो वो लेवल 1 में है, दैट इज प्रॉब्लम। माँ बाप को समझना चाहिए कि उन्होंने 1 से फिर 2 पे उसको कैसे लाना है। बेस्ट तो ये है कि 2 से सारे के 1-2 से सारे बच्चे 3 में हों। ठीक है, बेस्ट तो ये है, यही है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होते नहीं है। लाना कैसे है? अगर वो टेंट्रम्स शो कर रहे हों तो इसका इलाज सिर्फ ये है कि माँ बाप को चाहिए कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि आप उनको पनिशमेंट करेंगे, इस बच्चे को समझ नहीं आएगी, इसका मैच्योरिटी का लेवल बहुत कम है। इसका ये मतलब हुआ कि आपने उस बच्चे को उसका कोई गैजेट, उसका फेवरेट, उसको ले लें, टाइम आउट कर दें। आप उसे कहेंगे तुम कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते, टीवी स्क्रीन जो है वो आप कहें कि वो तुम 2 दिन के लिए नहीं देख सकते, या अगर उसका कोई फेवरेट दोस्त है वहाँ नहीं जा सकते। ये इनको थोड़ा सा पनिशमेंट करनी पड़ेगी। पनिशमेंट का मतलब फिर मार कुटाई नहीं है। मार कुटाई से तो आजकल को बच्चा मान ही नहीं सकता। ये सिर्फ आपको उनकी कंडीशनिंग करनी है कि आप इस कंडीशन पे ये कर सकते हैं। माँ बाप को समझना चाहिए कि मेरे बच्चे का मैच्योरिटी का लेवल क्या है और मैंने उसको डील कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। अब ये वाला बच्चा जो था ये आपके साथ कोऑपरेटिव था,
आपने इस बच्चे को समझाना है कि कैसे उसने कम्युनिकेशन से, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन गैप आता है, आप उनको समझाएं जो मैंने आपको पहले बताया था, वो कोऑपरेट करेंगे, ठीक हो गया। ये वाला बच्चा तो बहुत ही ब्लेसिंग है, सारे माँ बाप को चाहिए कि सारे बच्चों को कॉन्सिक्वेंस से, कम्युनिकेशन से इस वाले बच्चे पे, कंसल्टेशन का ये मतलब है कि जब वो आपको पॉजिटिव बिहेवियर देता है तो आप उसकी शाबाशी दें, उसको रिवॉर्ड करें, लवली। कंसल्टेशन का ये मतलब लवली। डॉक्टर शाहाना, कोई मैसेज आज के टॉपिक के हवाले से, पेरेंटिंग स्किल्स के हवाले से, बच्चों के जो प्रॉब्लम है, माँ बाप को किस तरह से टैकल करना है, ये सारी चीज़ें कोई मैसेज फॉर्म में आप देना चाहें? मैं आपको फिर यही कहूँगी जो मैंने आपको पहले कहा था कि माँ बाप को चाहिए कि वो समझें कि बच्चों का मैच्योरिटी लेवल क्या है, अपने ऊपर काम कीजिए, बच्चे अदरवाइज आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। एक छोटी सी बात प्रोग्राम खत्म होने से पहले, बच्चे होते हैं पतंग की तरह, जिस तरह जो होता है ना पतंग आप उड़ाते हो तो पतंग दूर जाती है, आप उसको ढील देते हो। बच्चों को थोड़ा एक्सप्लोर करने दो, वो चाहते हैं कि एज के साथ थोड़ी आज़ादी आए, अपने डिसीजंस वो खुद लें। आप उनको तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए ताकि वो अपने डिसीजंस मच्योरली खुद कॉन्शियसली ले सकें। अगर आप बचपन में उनको स्नब करते जाओगे और वो एडल्ट हो जाएंगे और आपने उसको लो तैयार नहीं किया, तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो दे आर नॉट गुड एडल्ट्स, वो जो है अपने डिसीजंस नहीं ले सकते क्योंकि आपने उनकी सुबह ट्रेनिंग नहीं ऐसी की। अब वो जो आप ढील देते जाते हो, देलते जाते हो, कभी कभी होता है कि आपको लगता है बच्चा बेरारवी या कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता पीछे खींचते हो। अगर आपको कभी गुड्डी उड़ाई ना पतंग, अगर तेजी से ये तुनका करोगे तो वो टूट जाएगी और वो कहीं जाके गिर जाएगी, तो आपको पता नहीं वो कहाँ जाके गिरेगी। तो ये पतंग जो है ना, इसका उड़ाने की स्किल जो है ना, इट्स जस्ट लाइक ट्रेन, आपका जिस तरह बच्चे होते हैं उनको पालने का भी स्किल्स होते हैं। माँ बाप को खुद समझना चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, तो बच्चे तो जो बच्चे होते हैं वो सीख जाते हैं। और शायद जनरेशन गैप भी इसी तरह से कवर हो सकता है। इस तरह ही अगर माँ बाप बच्चों को समझें कि उनका मैच्योरिटी लेवल क्या है और उनको ट्रीट कैसे करना है, जिद से, मार पिटाई से कुछ नहीं होना। आजकल के बच्चे बहुत डिफरेंट है।